दोस्तों, क्या आप भी अपने लिए एक नया स्कूटर खरीदना चाहते हैं, लेकिन कौन सा खरीदें ये समझ नहीं आ रहा है? तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे दिसंबर 2022 में बिकने वाले 10 बेस्ट सेलिंग स्कूटर्स के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको इन टॉप 10 स्कूटर्स के फीचर से लेकर कीमत तक पूरी जानकारी देंगे, जिससे आप अपने लिए एक बेस्ट स्कूटर चूज कर पाए और आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं विद नंबर 10, जो कि है हीरो डेस्टिनी 125 एक्सटेक। 125 सीसी इंजन वाला हीरो का ये स्कूटर यूजर एक्सपीरियंस के मुताबिक 45 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देता है। बात करें फीचर्स की, तो डेस्टिनी 125 में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और ऑल एलईडी लाइट्स जैसे कमाल के फीचर्स मिलते हैं। हालांकि इस स्कूटर के फ्रंट एंड रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, लेकिन अगर इसकी जगह डिस्क ब्रेक मिलता ना तो यार मजा ही आ जाता। खैर, प्राइसिंग के मामले में हीरो डेस्टिनी एक्सटेक की दिल्ली ऑन रोड प्राइस 83,000 से शुरू होकर 97,000 तक जाती है। नंबर 9, यमहा रे जेड आर 125। खासकर युवाओं के लिए डिजाइन किए गए यमहा के इस स्टाइलिश स्कूटर में डिजिटल क्लस्टर, स्मार्ट मोटर जनरेटर, ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप सिस्टम और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ जैसे कई प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। वहीं ग्राहकों के मुताबिक ये स्कूटर करीबन 50 किलोमीटर की माइलेज बड़ी आसानी से निकाल के दे देता है। और प्राइसिंग के मामले में तो कमाल है। दिल्ली ऑन रोड प्राइस इसका 95,000 से शुरू होकर 1,06,000 तक जाता है। नंबर 8, TVS iQube। TVS का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार फुल चार्ज होने पर करीबन 100 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देता है। वहीं इसे एक बार फुल चार्ज करने में 5 घंटे का समय लगता है। खास बात यह है कि 78 किलोमीटर पर आर की स्पीड वाला ये इलेक्ट्रिक स्कूटर सभी मॉडर्न फीचर से लैस है और इसकी ऑन रोड प्राइस 1 लाख से लेकर 1,20,000 रुपीज के बीच में है। नंबर 7, TVS Ntorq। स्पेशली यंगस्टर्स के लिए डिजाइन किया गया ये 125 सीसी स्कूटर अपने पावरफुल परफॉर्मेंस और शानदार ग्राफिक्स की वजह से युवाओं के बीच में काफी लोकप्रिय है। हालांकि ये स्कूटर 1 लीटर पेट्रोल में सिर्फ 40 किलोमीटर तक की माइलेज ही देता है, लेकिन इसके परफॉर्मेंस के हिसाब से ये माइलेज सही कही जा सकती है। कीमत की बात करें तो Ntorq के बेस मॉडल की ऑन रोड प्राइस 95,000 है, जो कि 1,17,000 तक जाती है। नंबर 6, ओला S1। जी हाँ, ओला का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर देश भर में काफी ज्यादा तेजी से पॉपुलर हो रहा है और इस वक्त देश में ओला के S1, S1 Air और S1 Pro जैसे 3 मॉडल्स बिक्री के लिए मौजूद हैं। इन सभी स्कूटर्स में टच स्क्रीन क्लस्टर, ऑल LED लाइट्स, राइडिंग मोड्स और डिस्क ब्रेक जैसे कमाल के फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी के मुताबिक इन तीनों स्कूटर्स की ड्राइविंग रेंज 101 किलोमीटर से लेके 135 किलोमीटर प्रति चार्ज के बीच है। और कीमत के मामले में ओला S1 Air की दिल्ली ऑन रोड प्राइस है 91,000 रुपीस, S1 मॉडल की 97,000 रुपीस और S1 Pro की 1,30,000 रुपीस। हालांकि सब्सिडी की वजह से हर स्टेट में इसकी प्राइस डिफरेंट हो सकती है। नंबर 5, होंडा डियो। 110 सीसी के इंजन वाला होंडा का ये स्कूटर ग्राहकों के अनुसार 45 से 50 किलोमीटर की माइलेज देता है। वहीं इसमें एक्सटर्नल फ्यूल लीड, इलेक्ट्रिक स्टार्ट और ट्यूबलेस टायर्स जैसे जरूरी और कमाल के फीचर्स दिए हुए हैं। हालांकि अगर इस स्कूटर में अलॉय व्हील्स और डिस्क ब्रेक होती तो यार मजा ज्यादा आ जाता। खैर, कीमत की बात करें तो होंडा डियो के सभी वेरिएंट्स की ऑन रोड प्राइस 81,000 से स्टार्ट होती है और 88,000 तक जाती है। नंबर 4, हीरो प्लीजर। 110 सीसी के इंजन वाला हीरो का ये स्कूटर 50 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज बड़ी आसानी से निकाल कर देता है। वहीं व्हाइट, रेड और ब्लैक जैसे कूल कलर्स और क्रोम एक्सेंट वाले डिजाइन के साथ ये स्कूटर काफी स्टाइलिश दिखता है। प्राइसिंग के मामले में अगर बात करें तो हीरो प्लीजर प्लस की ऑन रोड प्राइस है 80,000 से लेकर 84,500 के बीच। नंबर 3, सुजुकी एक्सेस। 125 सीसी सेगमेंट में सालों से ग्राहकों के दिनों पर राज करने वाली सुजुकी के इस स्कूटर की माइलेज 40 से 45 किलोमीटर पर लीटर के बीच में है। वहीं इसमें सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक्सटर्नल फ्यूल लीड, रेट्रो डिजाइन और ऑल LED लाइट्स जैसे शानदार फीचर्स दिए गए हैं। कीमत की बात करें तो एक्सेस 125 के बेस मॉडल की प्राइस 93,700 से और टॉप ब्लूटूथ मॉडल की प्राइस 1,04,000 रुपए तक आती है और इसके बीच में 4 मॉडल्स और शामिल होते हैं। नंबर 2, TVS जुपिटर। 110 सीसी और 125 सीसी सेगमेंट में मौजूद TVS का ये स्कूटर देश का दूसरा सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला स्कूटर है।
माइलेज की बात करें तो जुपिटर का 110 सीसी वाला मॉडल 50 किलोमीटर और 125 सीसी वाला मॉडल अराउंड 45 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज तो दे ही देता है। वहीं प्राइसिंग के मामले में जुपिटर 110 का जो बेस मॉडल है उसकी ऑन रोड प्राइस है 83,000 जो कि 1,00,000 रुपीज तक जाता है, और वहीं जुपिटर 125 की कीमत 97,000 से शुरू होकर 1,05,000 तक जाती है। नंबर वन होंडा एक्टिवा पिछले कई सालों से इंडिया के बेस्ट सेलिंग स्कूटर्स की लिस्ट में नंबर वन पर अपनी जगह बनाने वाला होंडा एक्टिवा स्कूटर्स 6G और 125 जैसे दो मॉडल्स में आता है, और हाल ही में कंपनी ने स्कूटर के एच स्टार्ट मॉडल को भी लॉन्च कर दिया है जिसके बारे में डिटेल वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। फिलहाल कीमत की बात करें तो होंडा एक्टिवा 6G की दिल्ली ऑन रोड प्राइस 88,000 से 95,000 के बीच है, और वहीं एक्टिवा 125 की प्राइस 91,000 से 1,00,000 रुपीज के बीच में है। तो दोस्तों इन टॉप 10 बेस्ट सेलिंग स्कूटर्स में से आपका फेवरेट स्कूटर कौन सा है नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल हिंदी ऑटो न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।